मैं हाउस में सिंह साहब को बेनती करके आया भी तुम माफ़ी देती पर सिख हिरदे शांत नहीं हुए सिंह साहब जी। पर यह दसो भी जे 328 सरूपों चो किसी सरूप की बेअदबी हो गई जिम्मेवार कौन है? कोई जवाब नहीं है। फिर पूछा कि 3 मैंबरी तुम टीम बनाई इनकुआरी करने, 3 मैंबरी टीम की रिपोर्ट आ गई, वो दब के क्यों रख ली? क्योंकि सूई छोटे वीर एक बार फिर बठिंडे जाती है, जिनी बारी वो मुख्यमंत्री बनया कौम एक नवा नसूर दे के गया। एक बार मुख्यमंत्री बनया निरंकारी गोलीकांड, दूजी बारी मुख्यमंत्री बनया नूरमहल रोड गोलीकांड, तीजी बारी मुख्यमंत्री बनया लुधियाने समराला चौंक च गोलीकांड। तो यह जे बंदे भी जे फखरे कौम का दर्जा देना है तो फिर तो मैं समझदा दुनिया च कितें कोई सच झूठ रह ही नहीं गया। हुण बीबी चीची तो चीर दे के शहीद बनती है, उन्होंने सच वाला शीशा दिखाना नहीं चाहते क्योंकि लिफाफे चो निकलिया हुआ प्रधान वो मजबूरी है। अलायंस तोड़ दिता कहते हैं ना, थुक के चटिया। अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बजट इजलास सीगा जिस विच काफ़ी जिहड़ा सीगा मुद्दे जिहड़े सीगे वह गरमाए जाने सीगे, जिस विच खास तौर पर 328 सरूपां दे मामले दे विच लगातार जिहड़ी सीगी आवाज़ जिहड़ी सीगी वह बैंस ब्रदर्स वालों काफ़ी चुकी गई सीगी अते किसानां दे हक विच भी काफ़ी वार नितरदे हुए सामने आए हैं। बलविंदर सिंह बैंस साडे नाल मौजूद ने, गलबात कर लैंदे आ। बैंस साहब, लगातार ही 328 सरूपां दा मामला जिहड़ा आ उह गरमांदा ही जा रहा वा, लेकिन हजे तक कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा, की कहोगे? मैं हाउस में सिंह साहब को बेनती करके आया भी तुसीं माफ़ी देती जी, पर सिख हिरदे शांत नहीं हुए सिंह साहब जी। तुसीं माफ़ी देती बलविंदर सिंह बैंस मान लैंदा, पर यह दसो भी जे 328 सरूपों चो किसी सरूप की बेअदबी हो गई जिम्मेवार कौन है? कोई जवाब नहीं है। फिर पूछा कि 3 मैंबरी तुसीं टीम बनाई इनकुआरी करने, 3 मैंबरी टीम की रिपोर्ट आ गई, वो दब के क्यों रख ली? उन्हें जनतक करो, मैंबर कापियां मंगते हैं अंदर, देखो किन्ने मैंबर कह रहे कापी दियो कापी दियो। वो कापी क्यों नहीं दिती? क्योंकि सूई छोटे वीर एक बार फिर बठिंडे जाती है, इस करके कापी दी नहीं इनकुआरी रिपोर्ट की। एक तुहाडे वल्लों फकरे कौम नूं लैके बड़ा अज अपील की गई, दलील दी गई कि वह जो फकरे कौम है जरूर वापस आना चाहिए, की मामला सीगा सारा? वो प्रकाश सिंह बादल जिहड़े जिन्नी वारी मुख्यमंत्री बने उन्नी वारी लेखा जोखा, मैं कोलों नहीं कहिंदा लेखा जोखा करन लगा, गुरु की धरती खड़ा, जिन्नी वारी वो मुख्यमंत्री बनया कौम नूं एक नवा नसूर दे के गया। एक बारी मुख्यमंत्री बनया निरंकारी गोलीकांड, दूजी बारी मुख्यमंत्री बनया नूरमहल रोड गोलीकांड, तीजी बारी मुख्यमंत्री बनया लुधियाने समराला चौंक च गोलीकांड, दर्शन सिंह शहीद हो गया, उस तो बाद मुख्यमंत्री बनया कोटकपुरे गोलीकांड बरगाड़ी गुरु साहब के पावन स्वरूपों की बेअदबी। तो यह जे बंदे भी जे फखरे कौम का दर्जा देना है तो फिर तो मैं समझदा दुनिया च कितें कोई सच झूठ रह ही नहीं गया। लेकिन अकाली दे बंदियां कोलों मेरे को माइक क्यों खोया? क्योंकि मैं कह रहा कि इहदे कोलों फखरे कौम का अवार्ड वापस ले लो, इह जे बंदे फखरे कौम नहीं हो सकते। गुरु रामदास के चरणा च अरदास भी करदा कि पातशाह कौम को किसी भी इदां का लीडर ना दे। लेकिन हुण हरसिमरत कौर बादल नूं तां मान धी दा कहिंदे कि उह अवार्ड दित्ता जाणा चाहीदा क्योंकि उन्हां वल्लों जिहड़ा वा अस्तीफा दित्ता गया एक कैबिनेट नूं लैके। छोटे वीर उहने अस्तीफा दित्ता कित्थे है तुहानूं असलीयत पता? जिदन सुखबीर सिंह बादल एक दिन पहलां पार्लीमेंट च बोलिया उस दिन शाम नूं उन्हां ने सद्या ते बीबी कोलों अस्तीफा लै लिया। हुण बीबी चीची ते चीर दे के शहीद बनदी है क्योंकि झूठ बोलण वाले बहुत भरपूर कम है तेजी च। मैं सिंह साहब नूं बेनती की कि सिंह साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान कुल दुनिया च इको ही आ, पर महाराज की हजूरी च बैठ के झूठ बोली जाता। मैं पिछले सैशन च कहिंदा सी बह जाओ रौला ना पाओ तुहानूं टाइम दूंगा, मैं किसी टाइम ही नहीं दिता, मैं थोड़ी हाजरी तुसीं भी बैठे हो, मैं इस वारी फिर उही कुछ है। ये जिहड़ा झूठ आ उन्हां नूं फलदा आ असल च उह प्रकाश सिंह बादल नूं ते सुखबीर सिंह बादल नूं, उहनूं सच वाला शीशा दिखाउणा नहीं चाहुंदे क्योंकि लिफाफे चों निकलिया हुआ प्रधान उहदी मजबूरी है। पर मैं एक गल जरूर कहनी चाहुंदा सिख लीडरां नूं जिहड़े श्रोमणी अकाली दल लई काम करदे आ, श्रोमणी अकाली दल दा इतिहास बहुत शाना मत्ता इतिहास है पर इस परिवार ने खराब करता। जे किसी का बाप कवे भी यार मेरा मुंडा कमला है इहनूं सरपंच ना बनाओ, भी पिंड वालिआं नूं बनाउणा चाहीदा, कदे भी नहीं बनाउणगे। हुण 5 साल प्रकाश सिंह बादल लोगों नूं स्नेह दिंदा रहा भी मेरा मुंडा कमला मैं नहीं इहनूं मुख्यमंत्री बनाउणा, हुण इह लीडरां दी पता नहीं की सोच है, इह फिर हटदी नहीं है, अपनी तो समझ तो बाहर है। गल आप गुरु रामदास के चरणा च अरदास बेनती करना है कि पातशाह साढ़े ये सिख लीडर
समत बख्शिश करो, इन्हों सच तो झूठ का ज्ञान हो गया। साहब अलायंस तोड़ दिता गया रात, कहते जी कि असी पार्लीमेंट से भी एक सारा बंब सुटता आ कि अं अलायंस तोड़ता हूँ इस समय, किस तरह देख लो सर? अलायंस तोड़ दिता कहिंदे आ ना, थुक के चटिया लो जे अलायंस तोड़ता है ना, फिर अलायंस तोड़िया दोनों मियाँ बीबी अलायंस मैंबर पार्लीमेंट बने हैं। स्वाद तो आया सवेरे अस्तीफा देने दोनों दोबारा अकाली दल कल चोन लड़के दिखाउण जित के, लेकिन जिन्ने के जम्मे सी जो उन्ने के ना हो गए मैनू फड़ ली। गल्लां करन वाली लोग बड़े सियाने हिसाब किताब जोड़ के देखते है, उनका अस्तीफा मैंबर पार्लीमेंट तो दे, कला चोन लड़के दिखा, कह हरसिमरत नूं कली चोन लड़े, स्वाद आ जो की बनता देखो। लेकिन अकाली दल का कहना यही है कि असी धार्मिक जिहड़ा वा वह भी पार्टी साडी घुमांदी सीगी, और किसानी हितैषी एक पार्टी भी साडी आ, और किसी पार्टी का नाल जिहड़ा हितैषी किसान हितैषी। मैं सिंह साहब नूं बेनती करके आया कि सिंह साहब मेरे जीवन च जो मैं स्टेज पर बोलिया, मेरे जीवन च दो बार पंजाबी सड़कों पर आए हैं। एक बारी जदों बरगाड़ी कोटकपूरे गोली चली, आवाम आप मोहारी सड़कों पर आ गई। हुण दूजी वारी जदों किसान आर्डीनेंस आया उदों आ गए। मैं कहा सिंह साहब जदों जदों भी किसी कौम ते भीड़ पैंदी है ना, तो फिर जिहड़े धर्मी बंदे हुंदे उह मूहरे आ के अगवाई करदे आ। मैं कहा जदों भी किसान जथेबंदियां दिल्ली रोज़ धरने का प्रोग्राम बनाउण, तो तुसीं हुक्मनामा जरूर जारी करियो कि हरेक परिवार चों एक बंदा किसान यूनियन वालियां दे नाल दिल्ली धरने ते जाओ। लेकिन अकाली दल हुण तक श्री दमदमा साहब तो अकाल तख्त साहब तक मार्च किसान जथेबंधियों के प्रोग्राम में तार पीड़ो करने लिए शक्ति वंडी जाए, उतो अस्तीफा जिहड़ा तुसीं कहिंदे ना पार्लीमेंट चो दे आए, अस्तीफा नहीं दिता, पार्ट ऑफ स्ट्रैटजी है। चाहे पार्टी अड की है, चाहे पार्लीमेंट चो कैबिनेट तो अस्तीफा दिता, आ हुण 22 च इलैक्शन आ जाने, देख लियो फिर क्यों खिचड़ी हो जाना, सारा कुछ फिर इकट्ठा हो जाना। ये सारा लोगों नूं असल च बुद्धू बनाउण दे यतन च, पर हुण सिखां दे जिहड़े बच्चे आ उह पढ़े लिखे है, वह दुनिया की गल नूं मूहों बोलण तो पहला समझते है, तो जिहड़ा कुछ ये सोचते वह गल्लां लद गई। लेकिन हर जगह पर रैलियां की जा रही, अच्छ गुरदासपुर भी रैली की जा रही, कथू नगर भी की जा रही है, क्या लगता जी सियासत गवाच गई है उन्होंने वापस सुखबीर बादल वालों लभन की कोशिश की जा रही है लगातार? मैं तो तुहानूं पहला कहा भी जे किसी का बाप कहे भी मेरा पुत कमला आया इहनूं सरपंच ना बनाओ, पिंड वाले बनाउंदे आ कदे भी नहीं। 5 साल सुखबीर नक् रगड़ता मर गया अपने प्यो मूहरे भी मैनू मुख्यमंत्री बना दे, उन्हें नहीं बनाया, उन्हें एक सुनेहा दिता ना बना के भी ये कमला बंदा इनू ना बनाओ, तो डिप्टी सीएम बना के पछताऊंगा, वो डिप्टी सीएम बना के पछताऊंगा। पर मैं एक बेनती करा कि जह जी पंजाबी कहें भी जिदा की कोको उह जे कोको के बच्चे जह जहा प्यो सगा उह जहा पुत आ गया। सो लास्ट क्वेश्चन है जी कि जिहड़ा 328 सरूपां दे मामले च हुण किस तरह इन्हां को हिसाब लिता जाएगा, जे अज भी इजलास दे विच नहीं दिता गया, तुसीं कापी मंगी तुहाडे कोल कापी नहीं दिती गई, ते किस तरह हुण हिसाब किदां लिता जाएगा? और जो अज हालात बाहर देखण नूं मिलदे सीगे, कुछ पत्रकार सीगे जिहड़े इन्हां दे अपने फेवरेट पत्रकार सीगे उह अंदर सीगे, ते जिन्हां ने एंटी दिखाया सीगा जां कुछ दिखाणा सीगा उह आउट ऑफ गेट सीगे। तुसीं बाहर आ गए गेट ते, मैनूं पता तुहानूं अंदर नहीं जाण दित्ता, होर भी 3-4 मेरे भरा खड़े सीगे, तुहानूं रोक सकदे आ। मैं बाहर पहला क्यों आ गया, मैंने फटफट बिठाते थे जब, मैं कहा तुम मेरे तो माइक खोलिया मैंने बोलन नहीं दिता, तो मेरी भी एक जमीर आ, मेरे तो भी मैं भी पातशाह के दरबार च अरदास बेनती करना आया कि पातशाह कोई लड़न का बल बख्श, लड़ांगे अखीरले साथ तक। पर जिदा ये सोचते हैं ना भी रिपोर्ट जनतक नहीं करांगे, जिहड़ी 3 मैंबरी टीम है ना, जिदन उन्हां चों किसी के सिर ते गुरु रामदास ने कृपा करती वो जनतक कर देंगे, ये की करोंगे। सो ये सन बलविंदर बैंसी जिन्हों वालों लगातार 328 सरूपों लैके आवाज़ चुकी जा रही थी, और अज इजलास दे विच भी उन्हां वालों जिहड़ी सी आवाज़ चुकी गई है। हालांकि इन्हां दा कहना यह सीगा कि जिहड़े श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने गोबिंद सिंह लौंगोवाल, उन्हां वालों हमेशा ही झूठ बोलिया जाता है, क्योंकि लगातार इजलास कहा जाता कि उन्होंने बोलन दिता जाएगा, लेकिन उन्होंने बोलन नहीं दिता गया। लेकिन उन्होंने काफ़ी जिहड़े मुद्दे ने वह भी गरमाए ने, और उन्होंने कहा कि किसान इस समय पूरी तरह जिहड़ा आ वह डिजिटल हो चुका है, अते माँ बच्चे जिहड़े ने अपने बुजुर्गों नूं दसदे ने कि ये किस तरह झूठ बोलते हैं, अते किस तरह ये लोगों नूं बुखलाहट दे विच लैके आते हैं। इस करके श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा अस्तित्व आ वह बिल्कुल ही खत्म हुंदा होया नज़र आ रहा है। कैमरामैन जतिन कुमार दे नाल गुरप्रीत सिंह, हकीकत टीवी पंजाबी, अमृतसर।